मीडिया पहुंच चुका है कुमकुम भाग्य के सेट पर, और पर्दे के पीछे क्या क्या होता है, क्योंकि ऑन स्क्रीन क्या होता है वो तो हम आपको दिखाई देते हैं, लेकिन फिलहाल पर्दे के पीछे की बात करें तो हमारे साथ कृष्णा है, पूजा है, सिड साहब है जो शादी करके लेकर आ गए हैं लड़की को. हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं एंड बहुत खुश हैं कि वी आर बैक एंड डूइंग दिस. सिड इज प्लेइंग अ न्यू कैरेक्टर, वी तो यू गाइस नो ऑलरेडी. एंड जैसे आप देख सकते हैं कि रिया मेहरा बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज. अगर आप थोड़ा सा पैन करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये देखिए रेड कारपेट लुक है आज. ग्रीन कारपेट, दिस इज नॉट अ रेड कारपेट, बट या थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, यू आर आल्सो लुकिंग एट डैपर. थैंक यू. हाँ बबी, बैकग्राउंड क्यों क्या बजेगा वो तो मुझे नहीं पता, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या रहेगा आई हैव नो आइडिया, बट फिलहाल तो मेरे दिमाग में यही बज रहा है. लेकिन पर्दे के पीछे की बात करें तो शूटिंग बहुत दिनों बाद दोबारा से सेट पर शुरू हुई, क्योंकि आप लोग सब बाहर शूट कर रहे थे, तो हाउ मच यू गाइज एंजॉइंग बैक ऑन सेट्स? आई एम लविंग इट, आई एम ऑनेस्टली लविंग बैक इन बॉम्बे. फर्स्टली आई एम लविंग द फैक्ट दैट वी आर बैक ऑन सेट. ठीक है, इट वॉज फन लाइक शूटिंग आउटडोर्स, वी ऑल गॉट टू नो ईच अदर, वी ऑल हैड अ गुड कैमराडरी एंड काफ़ी मज़ा आया साथ में शूट करने में. लेकिन वो जो सेट होता है ना, अपना मेकअप रूम, अपना सेट, उसकी एक बात ही अलग है, इसकी मिट्टी. पूजा को तो ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा वापस पति के पास जो आ गई हैं. गोवा में ही था मेरे साथ. पूजा इतने टाइम पति के बिना नहीं रह सकती है गाइस, पति वापस गोवा में आ गया था वहाँ पे. ठीक है, तो प्लीज सैड मत फील कीजिए पूजा के लिए. पूजा वहाँ पे भी उतना ही खुश थी, वो यहाँ पे भी इतना खुश है. मैं सैड था ना, मैं बहुत सैड था क्योंकि मैं बहुत अकेला था वहाँ पे, सब बिजी थे. बट ठीक है, जस्ट लाइक व्हाट पूजा सेड, वी हैड अ लॉट ऑफ फन. कुछ चीज़ें बहुत आसान थी, जैसे ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा था, जैसे जिस जगह से निकल रहे थे वहीं पे शूट हो रहा था, ट्रैफिक में नहीं फंस रहे थे. बट एक टाइम के बाद वो चीज़ें भी ना बुरी लगने लगी, ट्रैफिक में फंसने का मन कर रहा था, बॉम्बे को मिस कर रहे थे. ठीक है, हम अपने, हाँ एग्जैक्टली, हमें वो चाहिए था, चाहिए था. जी नहीं, मैंने अभी ज्वाइन किया. तो कैसा लग रहा है, क्योंकि आप नए मेंबर हैं इस घर के, और इन लोगों की तो मस्ती हम लोग हमेशा से कवर करते आ रहे हैं, बहुत बहुत पर्दे के पीछे भी उठा पटक होती है शुरू से. शांत नहीं लग रही है तुमको? क्या हो गया तुम्हें? शादी हो गई ना. Are you sure we can say that? I'm not quite sure. You say, कितना आप enjoy कर रहे हो इस सेट पर आकर इतने सारे किरदारों से मिलकर? मेरे को एक्टर्स आई थिंक बहुत अच्छे हैं, मिस्टर कृष्णा एंड हमारी जो लव ट्रायंगल नहीं सॉरी लव एंगल, आओ तो सही. हमारा लव एंगल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बाकी शर्म आ रही है, पहली बार कर रहा हूँ. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इतने कॉन्फिडेंट रहो कि पता ही ना चले पहली बार कर रहा हूँ. बस यही है, और बाकी मैं कह रहा हूँ ना यार, जी टीवी देखो, बहुत अच्छा आने वाला हमारा जो भी एपिसोड आ रहा है. सीन में देखने वाले, लेकिन यहाँ बात पर्दे के पीछे की हो रही है, क्योंकि जब एक नया किरदार ज्वाइन करता है, यू केम इन द शो जो ऑलरेडी कई सालों से चला आ रहा है, सो व्हेन यू गॉट टू नो कि ओके अब मैं इस शो का पार्ट होने वाला हूँ, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हाउ यू डेल्ट विद इट? मैं फुले ना समाया और मेरे आसपास की दुनिया बदल गई एकदम ऐसे. और आई थिंक इट्स मोर देन अ ड्रीम बिकॉज इट्स माई डेब्यू शो, तो एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला मुझे, आई एम वेरी थैंकफुल. एंड जो मेरे साथ खड़े हैं ये लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. अरे बाहर में जो साथ में खड़े, तुझे कैसा लग रहा है यार? मुझे साथ कर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब गाइस. एंड मुझे कॉलेज वाली फीलिंग आ रही थी कि जब ये पहली बार मुझसे मिला ना, मुझे ऐसा लग रहा था कॉलेज लाइफ नहीं होता है, रैगिंग करना चाहती थी मैं सीरियसली. मैंने कहा इसकी ना, पर इतना सीधा लड़का, मैंने कहा क्या ही रैगिंग करूँ इसकी, छोड़ दो. और ये इतना जेलस था ना, ये आया मेरे पास पूछने के लिए कैसा है नया सिट, कैसा है, मतलब तुमसे अच्छा है. आई एम श्योर ऐसा कुछ नहीं है. एंड मेरा क्या बताना था मुझे कि मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा जी, देखिए ये सीरियल मैं बहुत टाइम पहले से देखता आया हूँ, एंड बीच में थोड़ा छूट गया था बिकॉज केबल कट गया था. उसके बाद दोबारा ज्वाइन करना इस सीरियल को, इट्स मोर देन अ ड्रीम ऑनेस्टली, सीरियसली बोल रहा हूँ, मतलब सीरियसली. और स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें पता लग रही है, तो काफी मजा आ रहा है. सो लास्टली व्हाट डू यू गाइस वांट टू से टू ऑल योर ऑडियंस? डोंट वरी, बड़ा वाला टेल देम, वी वुड लाइक टू टेल देम, जस्ट छुपा के लेकर आए मुझे. वी वुड वांट टू टेल देम, आप ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है. आप हाँ ऐसे ही देखती रहो, ऐसे ही प्यार करती रहो, ऐसे ही मुस्कुराती रहो, तुम बहुत अच्छी लगती हो. मेरी वाली का यार, सो जस्ट कीप वॉचिंग, कीप लविंग, वी लव यू, थैंक यू सो मच. कुमकुम भाग्य ऑन जी टीवी एंड जी फाइव, एंड कीप लविंग अस द वे यू हैव बीन, यू हैव बीन, जैसे आप हमें प्यार करते हैं. मैं बोल लूं नहीं तो बोल ले.
मतलब तुम अटक गई इसीलिए। अरे आओ मस्ती करो, बोलो बोलो, बस प्यार कर रहे हो। जैसे मेरी वाइफ ने कहा प्लीज।